हम कहीं जनों हमने एकदम आवाज सुनी जैसे तीन फायर हुए हैं। हाँ। एक्टिवा पे आदमी था, उसने हेलमेट था, मुंह कवर था कंप्लीट। एक्टिवा पे बाइक? एक्टिवा पे था वो। एक्टिवा पे? हाँ ठीक है। वो तो कैमरा सारे लगे हुए आ जाएगा, पता लग जाएगा। तो वो उधर मुड़े हैं जो उल्टा, जो I-20 वाले थे जिनपे गाड़ी में फायर हुए हैं, वो भागे हैं। तो आगे उनके आगे कोई बाइक और आ गई है तो उसमें भी वो अड़े हैं जी। उसको एक टक्कर मार गई, फिर दूसरी साइड भागे वो बचाव में भाग बचाव में जैसे भागे। उसके पीछे फिर एक्टिव वाला दोबारा क्या है गाड़ी के पीछे? हाँ गाड़ी पीछे दोबारा क्या है? एक ही व्यक्ति था? हाँ अकेला आदमी। क्या देखा जी आपने, पूरा क्या देखा था मामला? सर हम लोग तो अपना जो शॉप पे हमारे पास ही है तो वहाँ पे खड़े हुए जैसे। तो क्या हुआ, हम लोग एकदम हमें फायर के बारे तीन फायर हुए के बाद एक तो देखा I-20 उसमें हैंड ब्रेक लगी है पूरी धुएं में और भाग रही है। उसके पीछे एक्टिवा पे बंदा था, पहले वो पैदल रुके था, उन्हें जैसे फायर मारे उसके बाद हमने एक्टिवा पे बैठा, उनके पीछे चला गया दोबारा। फिर फायर यहाँ पर हुआ है किसी जगह इसी एरिया से? करनाल शहर में एक बार फिर दोबारा से गोलियां चल जाती हैं और आप ये देख सकते हैं CIA की जो टीमें हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि गोलियां चलती हैं राजेश के ऊपर जो कि कोर्ट मोहल्ले का रहने वाला है। संजय रोड जो जिम ट्रेनर था उसकी हत्या कर दी जाती है और उसी मामले में आज गवाही के रूप में जो राजेश है वो कोर्ट में पहुंचा हुआ था और उसके ऊपर जो है गोलियां चल जाती हैं। आखिरकार क्या पूरा मामला है, पुलिस इस विषय में क्या कुछ कहती, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर क्या कुछ पूरा मामला संज्ञान में आया है, कहां गोलियां चली हैं? सर आज करीब 2:30 बजे के करीब यहां ये लोग कोर्ट से आए थे, जिनमें जो इंजर्ड है हमारा राजेश है लड़का, कोर्ट मोहल्ले का रहने वाला है। और वो पांच लोग थे उसमें गाड़ी में, राजेश था, एक लड़का ड्राइव कर रहा था और तीन उसके पीछे बैठे थे। तो इन्होंने ये बताया कि ये GRD ओवरसीज में इन्होंने आना था किसी काम से, जैसे इन्होंने यहां से गाड़ी मोड़ी तभी इनको गोली चलने की आवाज आई और फिर उसके राजेश के तो एक गोली लगी रही थी टांग में, उसने कहा कि मुझे गोली लगी है और फिर ये तुरंत उसको लेके हॉस्पिटल में गए। आपने गोली चलाई है, कोई पुरानी रन? ये उन्होंने बताया कि देख तो नहीं पाए लेकिन राजेश ही बता रहा है कि शायद बाइक पे एक ही लड़का था और उसने हेलमेट पहना हुआ था, उसे लगा कि उसी ने शायद गोली चलाई। कोई पुराना मामला है? पुराना आज एक मुकदमे की पेशी थी इनकी, जो संजय था जिम ट्रेनर उसकी हत्या हुई थी कई साल पहले और उसमें ये वन ऑफ द अक्यूज था जो राजेश है और ये लोग भी उसी से जोड़ के इसको देख रहे हैं कि शायद उन लोगों ने इनके ऊपर ये बात। हत्या का मामला दर्ज है राजेश? वो हत्या का मामला दर्ज है और आज उस केस में पेशी थी। कितनी गोलियां चली हैं सर टोटल? मौके से हमें 2 राउंड यहाँ से मौके से मिले हैं, बाकी और तहकीकात कर रहे हैं कितनी चली है। कोई जानकारी आ रही है सर राजेश को धमकियां मिल रही थी? नहीं फिलहाल अभी उसका इलाज चल रहा है, बाकी जो वो बताएगा फिर उसी हिसाब से मुकदमा दर्ज। हम कहीं जनों हमने एकदम आवाज सुनी जैसे तीन फायर हुए हैं। हाँ। एक्टिवा पे आदमी था, उसने हेलमेट था, मुंह कवर था कंप्लीट। एक्टिवा पे बाइक? एक्टिवा पे था वो। एक्टिवा पे? हाँ वो तो कैमरा सारे लगे हुए आ जाएगा, पता लग जाएगा। तो वो उधर मुड़े हैं जो उल्टा, जो I-20 वाले थे जिनपे गाड़ी में फायर हुए हैं, वो भागे हैं। तो आगे उनके आगे कोई बाइक और आ गई है तो उसमें भी वो अड़े हैं। उसको एक टक्कर मार गई, फिर दूसरी साइड भागे वो बचाव में भाग बचाव में जैसे भागे। उसके पीछे फिर एक्टिवा वाला दोबारा क्या है गाड़ी के पीछे? हाँ गाड़ी पीछे दोबारा क्या है? एक ही व्यक्ति था? हाँ अकेला आदमी। क्या देखा जी आपने, पूरा क्या देखा था मामला? सर हम लोग तो अपना जो शॉप है हमारे पास ही है तो वहाँ पे खड़े हुए जैसे। तो क्या हुआ, हम लोग एकदम हमें फायर के बारे तीन फायर हुए के बाद एक तो देखा I-20 उसमें हैंड ब्रेक लगी है पूरी धुएं में और भाग रही है। उसके पीछे एक्टिवा पे बंदा था, पहले वो पैदल रुके था, उन्हें जैसे फायर मारे उसके बाद हमने एक्टिवा पे बैठा, उनके पीछे चला गया दोबारा। फिर फायर यहाँ पर हुआ है किसी जगह इसी एरिया में? एरिया से